ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज चैनल पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? A 2 B 3 C 4 या D 5। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल के प्रतियोगिता में आप सबसे पहले जवाब दे सकें। भागलपुर में टला बड़ा रेल हादसा, टूटे एक्सल बॉक्स के साथ 200 किलोमीटर तक दौड़ती रही दिल्ली डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस। दिल्ली से डिब्रूगढ़ जा रही ब्रह्मपुत्र मेल टूटे एक्सल बॉक्स के साथ पटना से भागलपुर के बीच 225 किलोमीटर दौड़ती रही। इससे सफर कर रहे मुसाफिरों की जान पर बनाई एक बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया। कोच में सवार पैसेंजर में अफरा तफरी मच गई। अगर ट्रेन भागलपुर से खुल जाती तो आगे चलकर दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रबल संभावना रहती, लेकिन रेलवे ने पूरी सतर्कता बरती और भागलपुर जंक्शन पर ही रेल अफसरों ने कोच को बदल दिया। इसके चलते ट्रेन करीब 2 घंटे देरी से रवाना हुई। दरअसल ब्रह्मपुत्र मेल पटना जंक्शन पर 2:50 पर पहुंची और 2:59 बजे खुली। ट्रेन के खुलने के बाद गार्ड कोच से 4 कोच पहले स्लीपर कोच S1 के कोच में आवाज सुनाई दी। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी तो कोच की जांच की गई। किसी तरह बॉक्स के नट वोल्ट ठीक करके रवाना कर दिया गया, लेकिन रफ्तार तेज होने के कारण बॉक्स खुलकर गिर गया। फिर इसकी जानकारी भागलपुर कैरेज एंड वैगन को दी गई। जंक्शन पर रात 7:45 बजे ट्रेन पहुंची और दूसरी कोच लगाने के बाद 9:55 बजे डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हुई। भागलपुर चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने की पूरी तैयारी। भागलपुर जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया पहले मास्टर ट्रेनर की पहचान कर उसे प्रशिक्षण दिया गया है। अन्य कर्मी को भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराई जाएगी। चुनाव के दौरान विकलांग वोटरों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, चुनाव को लेकर पूरी तैयारी चल रही है। किसी प्रकार का कोई वोटर को दिक्कत ना हो, इसके लिए भी जिलाधिकारी द्वारा कई अहम जानकारी दी गई है। चुनाव को लेकर के जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी आरंभ कर दी है और इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने पूरे ज़िले में जितने भी कर्मी कार्यरत हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि कर्मी हों या राज्य सरकार के, सभी का डेटाबेस तैयार कर लिया गया है और अब उनको प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है। इस क्रम में सबसे पहले हम लोगों ने मास्टर ट्रेनर की पहचान कर मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया है और इनके माध्यम से अन्य कर्मी जिन्हें की निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त किया जाना है उनको प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। सभी कोषांगों का, जितने भी कोषांग को कार्य करना है, वाहन कोषांग, कार्मिक कोषांग, प्रशिक्षण कोषांग, सभी का गठन कर दिया गया है और उनके माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और विशेष रूप से दिव्यांग जो वोटर्स हमारे हैं, जो हमारे वृद्ध वोटर हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत न हो, इसे भी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। और उनका भी हम लोगों ने सर्वे और वोटर लिस्ट में मार्किंग करना शुरू कर दिया है ताकि उनको मतदान करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। इसके अतिरिक्त स्वीप अभियान पर भी हम लोग काम कर रहे हैं ताकि वोटिंग का परसेंटेज भी बढ़े। तो ये सारी तैयारियां चल रही हैं ताकि बेहतर तरीके से निर्वाचन संपन्न कराया जा सके। तीज पर जीएस बेस्ट फोटो कंपटीशन परिधान पर आज 21 अगस्त को शाम 6 से दूसरे दिन 10 बजे तक भेजकर फोटो पाएंगे एक आकर्षक उपहार। तीज के अवसर पर पाठिकाओं के लिए जीएस न्यूज लाया है परिधान बेस्ट फोटो कंपटीशन। जी हां, तीज पूजा के अवसर पर फोटो सेल्फी भेजकर आकर्षक उपहार प्राप्त कर सकते हैं। बताते चलें कि प्रतियोगिता निःशुल्क होगा और बिना किसी चार्ज के सिर्फ जीएस न्यूज की पाठिकाओं के लिए होगा। इसके लिए अपना एक फोटो या सेल्फी जो अपने परिवार के साथ हो, नाम पते के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर प्रतियोगिता में शामिल हो सकती हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8409
9 18 19 20 8409181920। फोटो भेजने का समय 21 अगस्त 2020 शुक्रवार को शाम के 6 बजे से दूसरे दिन शनिवार सुबह 10 बजे तक है और यह प्रतियोगिता में सिर्फ जीएस न्यूज के पाठिका ही शामिल हो सकती हैं। नवगछिया में मास सिकिंग अभियान में 89 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया एसपी स्वप्नाजी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क एवं वाहनों की जांच की गई। इस अभियान में कुल 89 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिससे कुल 4450 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। वहीं इस अभियान में 6 वाहन से 6000 रुपए भी जुर्माना वसूल किया गया है। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी, तटबंध पर बढ़ा नदी का दबाव। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार जारी रहने से नवगछिया में बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। वर्तमान में गंगा नदी खतरे के निशान 31.60 मीटर से 60 सेंटीमीटर ऊपर 32.20 पर बह रही है। पिछले 24 घंटे में गंगा नदी के जलस्तर में 18 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि के बाद से तटबंध पर दबाव बढ़ गया है। इस्माइलपुर विंटोली के बीच स्पर संख्या 6 पर नदी के पानी का दबाव काफी बढ़ा हुआ है। जल संसाधन विभाग के अभियंता द्वारा जल स्तर में हुई वृद्धि के बाद स्परों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला परिषद सदस्य सह भाजपा नेत्री ने नरकटिया तटबंध का किया निरीक्षण। भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष जिला परिषद सदस्य कुमकुम देवी ने नरकटिया तटबंध पर हुए कटाव निरोधी कार्य का ग्रामीणों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद कुमकुम देवी तटबंध पर हुए कटाव निरोधी कार्य गुणवत्तापूर्ण बताया। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष तटबंध पर कटाव शुरू होने के बाद तटबंध को बचाने के लिए जी जान लगाते हुए सोनवर्षा, नरकटिया, गौरीपुर, अमरपुर, बबनगामा आदि गाँव के लोगों ने साहस व परिश्रम का परिचय देते हुए बांध को ध्वस्त होने से बचाया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का 76वां जन्मदिन मनाया गया। खंड कैंप कार्यालय नवगछिया में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी का 76वां जन्मदिन मनाया गया, जिसका नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सह पूर्व गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी शीतल प्रसाद निषाद ने किया। कृपया ध्यान दें, अब एक मिनट के विज्ञापन के बाद खबर प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नवगछिया भागलपुर, ऑनलाइन कक्षा देने वाला नवगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें 7488-8569-88-9234-62-3333। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BCom, BSc, Polytechnic, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 88-73-97-36-80 8228956905 या रजिस्टर करें mswtbihar.com पर। गोपालपुर PSC में लिया गया 15 लोगों का सैंपल। PSC गोपालपुर में गुरुवार को 15 लोगों की जांच RT-PCR से कर रिपोर्ट हेतु मायागंज अस्पताल भेजा गया। उक्त जानकारी स्वास्थ्य प्रबंधक अतीश कुमार राय ने दी। थाना भीपुर रेलवे स्टेशन पर बनेगा वैकल्पिक रैक पॉइंट। सोनपुर रेल मंडल के DRM अनिल कुमार गुप्ता ने एक वर्चुअल प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि कोरोना काल और लॉकडाउन में भी रेलवे ने काफी विकास कार्य किए हैं। लॉकडाउन में यात्रियों के लिए पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन जरूर बंद है, लेकिन रेलवे ने इस क्रम में मालवाहक ट्रेन के परिचालन में 50% का इजाफा भी किया है। मालों की ढुलाई में भाड़े में भी छूट किया गया है और इसे छोटे और मध्यम वर्ग के व्यवसायियों के अनुकूल बनाया गया है। DRM ने कहा कि बिजली करण और दोहरीकरण का काम भी बड़ी तेजी से किया जा रहा है। मालवाहक ट्रेनों से माल ढुलाई को बढ़ावा देने और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए थाना बीहपुर रेलवे स्टेशन में एक रैक पॉइंट विकसित किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नवगछिया भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने सोहरा के बाढ़ पीड़ितों के लिए सुध। भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल के नेतृत्व में गुरुवार को देर शाम सोहरा गांव के बाढ़ पीड़ितों की सुध ली। भाजपा नेताओं ने बाढ़ पीड़ितों
की समस्याओं पर उनसे बातचीत की और सकारात्मक आश्वासन दिया। जायजा लेकर भाजपा कार्यालय पहुंचे जिलाध्यक्ष के साथ भाजपा नेताओं ने सोहरा के बाढ़ पीड़ितों की स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा के बाद जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल ने पत्रकारों को बताया कि सोहरा के ग्रामीण विपत्ति में है, ऐसी स्थिति में उन्हें मदद की जरूरत है। भवानीपुर टावर चौक पर उजानी निवासी बाइक सवार दो लोगों पर अपराधी द्वारा जानलेवा हमले के बाद दहशत में परिजन। रंगरा ओपी के टावर चौक के पास अपराधियों द्वारा उजानी निवासी मोहम्मद एहसान एवं जमुनिया निवासी मोहम्मद अजहर पर गोली मारने की घटना के बाद मोहम्मद एहसान के परिवार के सदस्य दहशत में हैं। अपराधियों द्वारा जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल एहसान के परिजन गहरे सदमे में हैं और डरे सहमे हुए हैं। घायल के घर से सभी पुरुष सदस्य उनके इलाज के लिए पटना गए हुए हैं, घर में सिर्फ महिलाएं हैं। मामले को लेकर रंगरा पुलिस द्वारा मोहम्मद एहसान का फर्द बयान दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को दिए अपने फर्द बयान में गंभीर रूप से घायल मोहम्मद एहसान ने गोली मारने वाले अपराधियों गांव के ही मोहम्मद संजर आलम एवं मोहम्मद माजिद आलम का नाम बताया है। खाना बनाने के दौरान आग में झुलसी युवती की इलाज के दौरान गई जान। ढोलबजा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर गांव में एक युवती की जान खाना बनाने के दौरान आग में झुलसने से हो जाने की बात सामने आई है। युवती बबलू साहब की बेटी नेहा कुमारी 15 वर्षीय बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि नेहा गुरुवार की सुबह करीब 7:30 बजे गैस से खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाई ही थी कि इसी बीच आग की लपटें किशोरी के कपड़े में पकड़ ली थी। आग लगने की बात नेहा को पता नहीं चल पाया था। जब तक नेहा अपने कपड़े में लगी आग को जाना तब तक आग तेजी से उसके कपड़े में फैल गई। रसोई घर से बाहर आंगन में निकलकर नेहा जोर जोर से चिल्लाते हुए आग बुझाने के प्रयास कर रही थी, लेकिन आग तेजी से फैलते गई। जब तक नेहा की चिल्लाने की आवाज सुन आस पड़ोस के लोग दौड़कर आए और आग बुझाई गई। तब तक उसका बदन काफी झुलस चुका था। आनन फानन में परिजन ने ग्रामीणों की मदद से झुलसी युवती को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान 2 घंटे बाद नेहा ने दम तोड़ दी। वहीं नेहा की मौत की खबर सुनते ही मां किरण देवी के साथ अन्य परिजन का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं नेहा के मौत से पूरे गांव में गमगीन का माहौल बना हुआ था। नेहा दो भाइयों व बहन में अकेली थी। देर रात तक नेहा का शव अस्पताल से घर नहीं पहुंचा था। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCMLA निशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नौगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 88 73 97 36 80 8228956905 या रजिस्टर करें msdwtbihar.com पर। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर। सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट।